वहीं दुर्ग में बहुजन समाज पार्टी ने जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए निकाली गई प्रमोशन लिस्ट पर रोक लगाने की मांग की। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लता गिडाम ने कहा कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के प्रमोशन लिस्ट में ST/ST के लोगों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का निर्णय आने तक प्रमोशन लिस्ट में रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में राज्यपाल को भी पत्र प्रेषित किया गया है ताकि ST/ST के लोगों को प्रमोशन का लाभ मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लोग बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ माननीय श्री भूपेश बघेल जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जिस तरह से अभी प्रमोशन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में और लगभग 40,000 प्रमोशन हो रहे हैं और जिसमें ST/ST का जो रोस्टर सिस्टम है उसको दिए बगैर छत्तीसगढ़ सरकार जो है प्रमोशन दे रही है, जिसमें 18,000 जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारी अधिकारी हैं वो लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। तो इसी के खिलाफ हम लोग जो है यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रहे हैं और माननीय महामहिम राज्यपाल जी से भी मांग कर रहे हैं कि ये जो प्रमोशन हो रहा है इसको तत्काल रोका जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में अभी मामला लंबित है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश जारी किया गया कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से रोस्टर सिस्टम को फॉलो करते हुए प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ जो है ST/ST के लोगों को देंगे, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। इसका ये मतलब है कि वो दिखावा तो करती है कि हम दलितों के साथ हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ में हैं, लेकिन अभी ये जो प्रमोशन हो रहा है इससे स्पष्ट झलकता है कि ये जो कांग्रेस की सरकार है ये दलित विरोधी है, ST/ST के विरोध में काम कर रही है, इनका भला नहीं चाहती। आप भी आज देखेंगे कि जब ये प्रमोशन हो रहे हैं आप लिस्ट उठा करके देखिए, उसमें ST/ST के एक भी कर्मचारी अधिकारी को उसका लाभ नहीं मिला है। तो इसका मतलब साफ है कि ये सरकार जो है ये ST/ST के लोगों को लाभान्वित नहीं करना चाहती, उनका विकास नहीं होने देना चाहती। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।